कसम दे गया है, तू तो चला गया है कन्हैया, और मेरे दिल को गहरा जख्म दे गया है। तो रोकर के राधा बोली है कि हम उनसे प्यार करके, कि हम उनसे प्यार करके कभी मुस्कुरा के रो, अब तरबीज हो रहा है इस
को पी के खुशी की तरफ नहीं देखा कि खुशी से मुड़ के खुशी की तरफ नहीं देखा। जवाब दिया खुशी से मुड़ के खुशी की तरफ नहीं देखा। तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं जवाब देने लगी पिया। खुशी से मुड़ के खुशी तरफ नहीं जैसी माताओं रोकर के कहा कि महाराज जिस दिन से खुशी मुझसे रूठी है उस दिन से मैंने खुशी को नहीं देखा। आज माताओं वो दुखियारी माँ का बहुत बुरा हाल है। मना कर दिया कि मैं तुम्हारे घड़े को उठवा नहीं सकती। हरिश्चंद्र रोकर के बोले हैं रानी आज मुझे पता चल गया कि दुनिया में अपने और अपने नहीं होते।
साबित कर दिया तुमने। संसार में ये गम ये दुख दर्द में जो साथ देता है ना, केवल वही अपना होता है। बेमतलब का संसार है रानी। ठीक है आज तुमने मना कर दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन विधाता एक दिन समय सबको देता है। ध्यान रखना माताओं, हरिश्चंद्र ने गहरे जल में जाके जल की सहायता से घड़े को उठा लिया। रानी भी चली गई, लेकिन घड़े को उठा तो लिया। जैसे ही आज कालू मेहतर के द्वार पर पहुंचे मैयाओं, परीक्षा कहते हैं ना, जब एक दुख का घड़ी जब दुख की टूट जाती है तो उस दुख की घड़ी में से ना जाने कितनी मुसीबतें पैदा हो जाती हैं। जिस तरह एक बीज डालने से कई अनाज के दाने मिलते हैं, उसी तरह मैयाओं, एक बार दुख आ जाए तो दुख में दुख, दुख में दुख बढ़ता ही जाता है। आज राजा हरिश्चंद्र से घड़ा छूटा तो कालू मेहतर ने ललकार लगा दी, ओ नीच, ये तूने क्या किया। आज नीच जाति का व्यक्ति राजा हरिश्चंद्र पर हुक्म कर रहा है। समय ऐसा बलवान, देखिए उसी समय होगा क्या। आज राजा हरिश्चंद्र के हाथ में कालू मेहतर ने एक लाठी और कंबल को दिया और जवाब दिया, ला ये घड़ा तू रोज फोड़ेगा तो मैं तेरा क्या करूंगा, इस लाठी और कंबल को ले निकल जा, अब तू इस काम के योग्य भी नहीं है। मैयाओं, समय जिस व्यक्ति ने जीवन में देखा होगा वही इस दर्द को समझेगा। मुसीबत मैंने भी बहुत देखी है और आपने भी शायद देखी होगी। राजा हरिश्चंद्र जब मरघट में मरघाटिया के आज लाठी और कंबल को लेकर के मरघट के बासी हो गए, तो देखिए हरिश्चंद्र किसी भी लाश को आज बिना टके के नहीं जलाते हैं। समय बहुत बड़ा बलवान होता है। इधर रानी एक दिन अपने मन में विचार कर रही है। रानी रो रही है कि हे महाराज, ये कौन सा पाप किया है। आज मैयाओं, धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन विश्वामित्र ने देखा है कि बेटा रोहिदास बाग में फूल तोड़ता है, तो विश्वामित्र ने बदला बड़े बुरी तरीके से निकाला है। विश्वामित्र ने देखा है कि एक दिन रानी तारावती ने अपने बेटे रोहिदास को जवाब दिया, लाला ऐसा करो, चले जाओ, इस छबरिया को हाथ में लो और बागों से कुछ पुष्प तोड़ के लाओ। मैयाओं, आज जैसे ही चला है लाला, तो आज मैया को ये नहीं पता है कि मेरा बेटा जाएगा तो लौट कर नहीं आएगा। मैया ने तो हंसते हंसते अपने बेटे को भेजा, लेकिन क्या पता कि जीवन में कब कौन सा समय मोड़ ले ले। मैयाओं, आज उस दुखियारी माँ का लाल बाग में चला और बाग में जैसे ही पहुंचा, सुंदर सुंदर फूल तोड़ने लगा है बेटा। फूलों को तोड़ते समय रोहिदास जानता है कि भगवान ने मुझे बड़ा कष्ट दिया है, लेकिन फिर भी बेटा जब फूल को तोड़ रहा था तो विश्वामित्र ने एक सर्प का रूप लेकर बेटे की उंगली में काट दिया। देखिए कितनी कठिन परीक्षा आज रानी तारावती अपने जीवन में दे रही है। रोहिदास को जैसे ही सर्प ने काटा, मैया आज माँ माँ कहता वो दुखियारा लाल जमीन पर गिरने लगा, आवाज लगाने लगा, माँ मुझे क्षमा कर दो, अब तुम्हारा बेटा तुमसे दूर जा रहा है। तुमने आशा को लगाया था कि एक दिन मेरा बेटा बड़े होकर मुझे सुख देगा, लेकिन मैं तुम्हें सुख नहीं दे पाया माँ। रोकर के आज बेटा अपनी मैया को याद करके अंतिम श्वासों में कहने लगा, माँ